यहाँ पे देखिए कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और बाकी लोग अभी पहले ही भाग रहे थे, लास्ट में योगी जी बोले हैं और ये देखिए ऑडियंस कैसे निकली जा रही है और वहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है कि भाग रहा है। अभी सारे लोग देखने के लिए जा रहे हैं, हम लोग भी निकलते हैं, किधर से निकल पाएंगे उड़ते हुए, फिर से हेलीकॉप्टर दिखाएंगे किधर से, इधर आओ, किधर से हेलीकॉप्टर कैसे निकलता है उड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी महिलाएं आदमी पुलिस प्रशासन सभी लोग देख रहा है कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, तो हम लोग भी चल के देखते हैं। कहाँ दिखा थी, वाह अभी तो उड़ा नहीं, ओ योगी जी दिखे भी नहीं, आगे बढ़ते आ रहे हो, उधर चलिए पीछे चलो, उधर किया जा रहा है, अरे के तोड़ के पड़े जी यदि आके देख सकता तो ये उड़ा, मतलब उसका पंखी चली। अभी अभी ये आम आदमी की देखिए क्या, ये यहाँ पे महिलाएं कितनी सारी हैं, ये देखने के लिए है कि मतलब कैसे उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, जिसकी मतलब वो बैठ नहीं सकता, वो हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिख के मतलब अपने आप को संतुष्ट हो रहा है और वही हम भी कर रहे हैं। इसके पहले देखे राहू का भी हेलीकॉप्टर आया ना दिल्ली उल्ली में देखे हैं, घूमे एयरपोर्ट पर दिल्ली में राहू का और का ऐसे बड़ी बड़ी देखे हैं हेलीकॉप्टर, देखो जहाज देखियो यो जहाजियो जहाजियो यो तब का यहाँ देखा तब कैसे थोड़ी जल्दी से उड़ जाए, देखा चल अगर ओकरे थोड़ी और नेर रहे तो हवा इतना तेज लगेला देखे भी तब का नजदीक देख ले यहाँ पे देखिए कितने सारे पुलिस प्रशासन आकर के यहाँ पे खड़े हो गए हैं और कहला बाप एक दाई था ना मैं घुमा दिया तो कहना हेलीकॉप्टर पर जहाज कहना हाँ मम्मी घुमाई तो कहाँ से आई है आप? मैं सोटा से आई हूँ, मतलब देखने के लिए योगी जी के, हाँ देखने के लिए। पता है हमारे ना सब गांव में ना सबका पक्का घर बने, बस पूरे गांव में मेरा ही कच्चा घर है और मुझे प्रधानमंत्री से कोई वो मिला ही नहीं है, तो उसी लिए आई है, हाँ उसी लिए आया है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला वहाँ जाने का, अपनी समस्या लेकर के आई हुई थी। और यहाँ पे देखिए हेलीकॉप्टर उड़ चुका है और यहाँ से जाएगा अब महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी जो आजमगढ़ में बन रही है, वहाँ पर जाएंगे और योगी जी वहाँ जाएंगे और वहाँ पे कार्यक्रम करेंगे, कुछ देखेंगे और निरीक्षण वगैरह करेंगे। और ये देखिए जैसे हेलीकॉप्टर उड़ा है वैसे ही सारे पुलिस वाले जो है कि वो जाने लगे और सारे लोग जाने लगे। क्या समस्या लेकर आई थी यहाँ पे आप? मैं सोची थी कि मैं मिलके बात करूंगी लेकिन मुझे वहाँ पे जाने का मौका नहीं दिया गया। आपने बात करी थी या जो पुलिस प्रशासन थी कि हम यहाँ पे शिकायत लेके आए हैं, आपने बात करनी? हाँ शिकायत तो की थी लेकिन लोग इग्नोर कर दिए थे, वहाँ पे मेरी बात पहुँच नहीं पाई। और पता है गाँव में ना सबका घर मतलब पक्का बन गया, सबको आवास योजना मिली बट मुझे ही नहीं मिली। मेरा नाम रागिनी पांडे है। और मतलब की कोई घर में जॉब वगैरह नहीं करता? नहीं पापा है तो हम लोग छह बहने, एक मेरा छोटा सबसे छोटा भाई है जो कि भी किसी की शादी वगैरह नहीं हुई, बस एक लोग की हुई है और पैसे की इतनी दिक्कत है कि हाँ बहुत ज्यादा तंगी है। और बस यही है कि कुछ मुझे लाभ नहीं मिला, कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा ये मतलब ये भी चीज हो सकती है, आप बोल रही है पांडे है और एससी एससी जो रहते हैं उनको नॉर्मली मिल जाता है, आप जाकर देखिए, तो क्या ये भी आपको लगता है कि मैं जनरल में हूँ इसलिए मुझे नहीं मिला, इतना डिले हो गया? अब जो भी हो इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते बट यही है कि हमें कुछ मिला नहीं है। प्रधान से आपने बात करी है? ग्राम प्रधान जो है क्योंकि वही दिलाएंगे तो वही दिलाएंगे तो देखना चाहिए ना, उनके पास कोई योजना नहीं है। हाँ हाँ तो क्या देंगे?
कोई सरकार से बोल रहे हैं कि कुछ लाभ नहीं मिल रहा है? जी जी कहते रहते हैं कि हमारे जो ग्रामीण विकास योजना में घर मिल रहा है, शहरी योजना में शहर में घर मिल रहा है। हमारे का खून आया वहाँ से आदमी कटवा देना, हमारे कुल भर लल जा कुल भर लल। तुम्हारा नाम क्या हुआ? रीमा। ये आप एसटी हैं कि जनरल में? कौन मतलब राजभर। तो मतलब ओबीसी में? हाँ। आपका मतलब कि नाम कौन कटवाया? जो ग्राम प्रधान रहता है वो कटवाया गाँव? हाँ। आप यहाँ पे शिकायत लेकर के आए हुई थी कि हम योगी से? हाँ, पीछे पीछे हम लोगों का घर गिरल अथवा कर दे। हमारे आदमी का हाथ एक ना यहाँ से, तो वो आदमी अच्छा करा देना। वहाँ से आयल फोटो खींच के ले गए ना प्रधान, फिर भी है ना कथो सूची में नाम ना आ तो लोन का नाम ना आया तो में डाले गए बाद में मिले। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लोग नहीं है, जितने भी हमको लगता है कि सारे लोग आए हुए थे, सब अपनी अपनी समस्या लेकर ही आए हुए थे। कुछ आपकी क्या समस्या थी बोल दा? वही तो हम लोग के कुछ बनाए ना कुछ करें। हम लोग का समस्या हम लोग के गांव में पानी निकलने का कोई जगह नहीं है। हाँ तो वो तो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है कि आपके गाँव में नाली बनवाए। वो नहीं कर रहे है ना, नहीं कर रहे है हम लोग के गाँव में, नहीं सोखता बनवा ले हमारे घर और कुछ ना। समस्या इतनी ज्यादा रहती है कि आप बड़े लेवल को, जो बड़े लेवल का जो अधिकारी हो, नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, उससे हम शिकायत करते हैं कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमारे बीच में ग्राम प्रधान रह रहा है वो भी ऐसा ही काम नहीं करता है, तो शिकायत किसे करे आदमी? हमारा उसकी शिकायत कैसे करे फिर? तीन दाएं अधिकारी आला ना, जांच भी भर आवास का कुल भर नहीं जाते हैं किसी से, तो फिर यहाँ जाओ वहाँ जाओ ऐसे जाओ, लेकिन बाद में क्या होता है कि काम जो भी होना रहता है पेंडिंग में पड़ा रहता है, कुछ होता नहीं। आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो बीच में ही रुक जाता है, आगे को कुछ काम हो ही नहीं पाता है। सही बात का, आप लोग भी समस्या लेकर के आए थे अपनी? देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आए थे नॉर्मली अपनी समस्या लेकर के आए थे, और यहाँ से अब योगी जी जा चुके हैं, गए हैं यहाँ से महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कुछ जहाँ से वो देखेंगे क्या क्या कैसे चीज़ें चल रही है, कितना उसमें बना हुआ है, कितना अभी बाकी है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर प्रस्थान कर जाएंगे। यहाँ पे जितने भी लोग आए थे समस्या लेकर के आए थे, और हर किसी की समस्या अपनी अपनी है, और खास करके जब बात करें ग्राम प्रधान की, तो ग्राम प्रधानी का चुनाव भी 2026 में आने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि ग्राम प्रधान के जो भी मेरी जो जिस तक भी पहुंच रही है उसके आसपास में ग्राम प्रधान है, तो उन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि अब जो है कि वो किसी ऐसे को कोई भी वोट नहीं देगा, ना जाति देकर ना अपना परिचय का देख करके, है ना। तो आप लोग अच्छा अपना काम करिए, जितना भी टाइम आपके पास बचा है तो अच्छा काम करिए, ताकि लोग आपसे खुश रहे। तो आप एक ही 5 साल नहीं, आने वाले बहुत सारे 5 साल में आप जीतते रहेंगे, आपको ये भी सोचना चाहिए था, एक ही बार के बारे में नहीं बैठना चाहिए था। अगर ये ऐसा काम नहीं करते तो आप लोग इस तरह से पीड़ित नहीं होते, यहाँ पे आने के लिए मजबूर नहीं होते, है ना। कहीं ना कहीं पैदल आवल जाता है, कल गल आप देखल जरूरी है। हाँ, अपनी समस्या लेकर के। हाँ, ले इससे आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।